किसान आंदोलन पर जारी सियासी गहमा गहमी के बीच आज होने वाली सरकार और किसानों के बीच छठे दौर की बातचीत टल गई है। दरअसल मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह और किसानों के बीच बैठक हुई जिसमें कोई नतीजा नहीं निकल सका। किसानों के मुताबिक सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है और आज सरकार कानून में संशोधन को लेकर प्रस्ताव देगी, इसीलिए छठे दौर की बातचीत नहीं होगी। किसान आज सरकार की ओर से आने वाले प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। इस बीच आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होनी है जिसमें किसान आंदोलन, कानून में संशोधन और किसानों के साथ बातचीत पर चर्चा संभव मानी जा रही है। तो चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज की बैठक रद्द हो गई है, संशोधन पर फैसला आज हो सकता है क्या, ये सवाल बड़ा है। कैबिनेट में मंथन आज इस पर होगा और किसान भी अपनी तैयारी में लगातार लगे हुए हैं। आगे क्या वार्ता होगी, सवाल ये भी है। अब बड़ा सवाल ये है कि बैठक हो नहीं रही है, किसान आगे क्या रणनीति अपनी बनाते हैं। दिल्ली NCR के लोगों को इस वक्त कई समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है और केंद्र सरकार पर सबकी निगाहें कि क्या फैसला लिया जाता है। मिनिस्टर ने कहा कि हम कल आपको लिख के एक प्रस्ताव भेजेंगे, जो APMC SDM का पावर ये सब जो उठा है सवाल, हम लिख के दे देंगे, आप इसको विचार करो करके आओ, फिर परसों आप पे चर्चा करेंगे। अमेंडमेंट की बात वापस करने के लिए तैयार नहीं, हमारा लिख के देंगे मगर कल हम देख लेंगे क्या लिख के देंगे, मगर हमारा अगले मीटिंग में जाएंगे क्या नहीं जाएंगे कल तय कर। कल की मीटिंग होगी, कल की नहीं, नहीं कल का मीटिंग नहीं, कल कोई मीटिंग नहीं होगा। वही चर्चाएं होती रही जो पिछली 5 मीटिंग में हुई है, उनका प्रपोजल यही है कि इसमें जो सुधार चाहते हैं हम करने को तैयार हैं। सर अलग अलग मुद्दों, अलग अलग लोग आए थे या मतलब एक ही साथ सबके सारे किसानों की मीटिंग हुई? नहीं, हम 13 लोग थे सारे, केवल 13 लोग जो वोट कमेटी जाए। ठीक है, तो आज की बैठक रद्द हो गई है। हमारे सहयोगी पवन त्रिपाठी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, बैठक टल गई है, अब किसानों की क्या स्ट्रेटेजी आगे की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इतने दिनों से लगातार जो धरना चल रहा है उस धरने की पूरी तैयारी है, यानी कि किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ पर सुबह से ही तैयारी चल रही है, यानी कि हर जगह पर हर हिसाब से किसान बिल्कुल तैयार है। सुबह से ही आप देखिए नाश्ता बनना शुरू हो गया है, सब्जियाँ कट रही हैं, यहाँ पर सब्जियों का ढेर लग गया है। सुबह से उठते ही जो है सबसे बड़ी बात तैयारी की तस्वीरें, जो आप पूछ रहे थे कि क्या तैयारी स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी पूरी तरीके से किसान यहीं पर डटा रहेगा। ये ऐलान है किसानों का, किसानों का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी गई, चाहे महीनों रहना पड़े, चाहे यहाँ पर 26 जनवरी तक रहना पड़े, उससे आगे भी रहना पड़े, पूरी तैयारी है। किसान कह रहे हैं कि वो बिल्कुल नहीं हटेंगे। देखिए तैयारियों की बात मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुबह 7 बजे का वक्त है और तैयारियाँ पूरे जोरों पर हैं, यानी किसी भी तरीके से किसान पीछे हटने वाला नहीं है जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। वार्ता ज़रूर रद्द हुई है, किसानों ने अपने कई प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसान यहाँ पर इस बात को लेकर तैयार है कि अब हम इसको बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक अपडेट आपसे चाहेंगे कि किसान पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम लिखित में आपको प्रस्ताव देंगे, उस पर आप विचार कीजिए। प्रस्ताव आज कब तक आ सकता है और किसानों की जो इस पर बैठक होनी है वो कब तक संभावित है? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो दोपहर बाद ये प्रस्ताव आने की उम्मीद है, जो लिखित आश्वासन देने की बात की गई थी सरकार की तरफ से। किसान ये चाहते हैं कि अगर उनके प्रस्तावों को, उन बिंदुओं को शामिल किया जा रहा है और उस पर लिखित आश्वासन मिलता है, तो जो भी पूरे भारतीय किसान यूनियन है, अलग अलग संगठन है, उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, अगर वो उस पर मुहर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आंदोलन थमता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आंदोलन थमेगा तब जब वो प्रस्तावित जो इन लोगों की तरफ से प्रस्ताव गए हैं, सबसे मेन प्रस्ताव गए हैं, वो उस पर लिखित आश्वासन मिलता है और उस पर जब महापंचायत होगी, उस पर बैठक के बाद, तब भले मुहर लगती दिखाई देगी। लेकिन अगर लिखित आश्वासन नहीं मिलता और किसान संतुष्ट नहीं होते तब कुछ नहीं हो सकता, और उसके बाद ये जो तैयारियां हैं ये लगातार जो रुपये दोपहर बाद आने की पूरी संभावना है। एग्जैक्ट टाइमिंग जो है वो अभी पूरी तरीके से नहीं आया है। जी शुक्रिया आपका पवन, जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।